Former BJP President Nitin Gadkari, who is on a visit to Uttar Pradesh's Amethi, defended the Saffron Party against Rahul Gandhi's remark that Adani is funding BJP's campaign. BJP's Nagpur candidate and former president Nitin Gadkari has said that the Saffron Party never took financial support from other people for poll campaigning. देखो कोई किसी पे कोई भी आरोप कर सकता है हम ना किसी के पैसे से चुनाव लड़ते हैं हम लोग हमारी पार्टी अनेक सालों से लड़ रहे हैं विपक्ष में रहकर हम लड़ रहे हैं और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब सामने में पराजय दिखता है तो संयम तोड़ देते लोग ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं मुझे लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि पराजय दिखने के बाद हालत कभी कभी संयम और विवेक को खो देते हैं वही राहुल गांधी के Gadkari also said that it is very unfortunate that during election, leaders are making personal remarks on others, which is not healthy for democracy. मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से जो टिका-टिप्पणी हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और जिस प्रकार से बातें कही जा रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। एक बात जरूर है कि मरता क्या नहीं करता। बौखला जाते लोग तो ऐसी बातें करते हैं। The former BJP president added that once BJP and Smriti won the Amethi seat, the structure of the region will be changed. हमारी जब सरकार आएगी, तो हम अमेठी के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, और जो नेहरू गांधी परिवार पिछले 60 साल में नहीं कर सके, उससे ज़्यादा काम 5 साल में स्मृति जी करके दिखाएगी, और पार्टी की पूरी ताकत, नरेंद्र भाई की पूरी ताकत हम उनके पीछे लगाएंगे, और इस क्षेत्र का निश्चित रूप से भविष्य बदलेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ This report was brought to you by NNIS.